हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का फोर्थ लेसन पढ़ेंगे, जिसका मन पूरक पठन। ये लेसन पूरक पठन है। पहले हम लोग कवि का नाम है विकास परिहार, और इसका विकास परिहार कवि का परिचय जान लेते हैं। जन्म 1983 गुना मध्य प्रदेश में हुआ। परिचय, विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी, फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। अब पद्य संबंधी, ये कविता हाइकू कहलाती है। हाइकू ये जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। इसकी विधा कौन सी है? हाइकू। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार कर लिया। मतलब इस हाइकू कविता जापान की जो है, इसको हिंदी साहित्य ने इसको स्वीकार कर लिया। हाइकू कविता 5+7+5=17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। मतलब पहले में, पहली लाइन में 5 वर्ण होंगे, दूसरे में 7 और तीसरे में 5 वर्ण होंगे। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। अभी मैं पहले कविता पढ़ूंगी, उसके बाद उसका अर्थ भी समझाती जाऊंगी। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है, अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियां घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती हैं, तब कहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती हैं। मतलब जब भी अंधेरा जब भी बहुत घना होता है, तब कहीं से कहीं प्रकाश आ जाता है तो और अधिक चमकीला दिखाई देता है। मतलब जब भी हमारे जीवन में कभी प्रतिकूल, मतलब हम लोग कष्ट में आ जाते हैं, तब कहीं से हमको कोई आशा की किरण आ जाती है। हमें दूसरा, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त हुआ, इससे हमें क्या मिलेगा, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। अपना कर्तव्य निभाते रहना चाहिए। जीवन नैया मझदार में डोले, संभाले कौन रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। अब देखिए, जीवन नैया, जी ज व न, न या 5 हो गए, म झ ध र 4, म 5, द ल 7 हो गए, स भ ल क न हो गए। आपको मालूम पड़ा, मैंने आपको पहले बताया ना, 5 वर्ण 7 वर्ण और 5 वर्ण, मतलब टोटल एक स्टेंजा में आपके 17 वर्ण होते हैं। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, र ग ब र ग र स ग ल क र आ य फ ग न, 5 7 5, ठीक है, आपको मालूम पड़ा, ठीक है। अभी इसका अर्थ बताते हैं। जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है, तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा, हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना होगा। जीवन नैया मझदार में डोले, संभाले कौन। हमारी जीवन रूपी नैया अगर संसार रूपी सागर में डगमगा रही, अगर हमें इस जीवन में कोई कष्ट है या कोई हमारे पर विपत्ति आई है, तो हमको उसको ही, अपने को ही संभालना है। ऐसा नहीं कि कोई हमको पार लगाने के लिए आया, कोई हमारे कष्ट को संभालने के लिए आ जाएगा, कष्ट को दूर करने के लिए आ जाए। जब तक हम अपने आप से काम कर, अपना काम नहीं करेंगे, तब तक हमको कोई नहीं। अगर हम अपने को बचाएंगे तभी दूसरा हमको बचाएगा। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन,
फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आया है। यह समय उल्लास और उमंग का समय, अतः हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। ठीक है, जीवन में कभी कष्ट आते हैं, कभी सुख के भी दिन आते हैं, कभी दुख के भी दिन आते हैं, तो हमको हमेशा ऐसा नहीं, दुखी नहीं रहना चाहिए हमेशा। कभी कभी बसंत, जैसे फागुन का महीना बसंत ऋतु को लेकर आता है, उसी तरह से हमको अपने कष्ट और चिंताओं कभी कभी भूलकर बसंत ऋतु की तरह से आनंद भी लेना चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है, वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि परेशानों से घबराए बिना अपना काम करते जाना चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, मतलब गुलाब का फूल जो होता है कितने कोमल होता है, और उसके बीच में कितने, उसके पौधे में कितने कांटे लगे रहते हैं, वो हमको प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा देता है कि हमको परेशानियों में भी घबराए बिना अपना काम करते रहना चाहिए। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, जब नेत्रों से आंसू बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। जब कभी हम ज्यादा दुखी हो या कुछ कुंठा हमारे मन में हो, या मन में बार बार कुछ अलग से चल रहा हो, ये नहीं करना चाहिए। तो हमको जब आंसू निकलते हैं तो ये आंसुओं के द्वारा हमारी कुंठा बाहर निकल जाती है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजी विषा। जब नेत्रों से आंसू बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद धुल गया और मन पहले के समान पावन हो गया। जब आंखों से आंसू निकलते हैं तो आंसुओं का स्वाद कैसे होता है? खारा, खारा मतलब नमक जैसा होता है। तो मन का संपूर्ण विषाद धुल जाता है। अगर कभी मन भारी हो और हम रो लें तो हमारा मन क्या हो जाता है? थोड़ा हल्का हो जाता है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजी विषा। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां, चिंताएं और है अप्रिय प्रसंग। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना ही हमारी जिजी विषा का प्रमाण है। प्रत्येक मनुष्य के हर एक मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां, चिंताएं या कुछ ना कुछ अप्रिय प्रसंग होते हैं, कुछ ना कुछ अप्रिय घटनाएं हो ही जाती हैं। ऐसे में जीवन रूपी जीवन में हमें इसमें भी डट कर रहना और उसी में अपने को काम में लगाए रहना, यही हमारा जीवन है, जिजीविषा जीवन है। यही जीवन का एक प्रमाण है कि हम उस परिस्थिति में भी हमको डटे रहना चाहिए। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। जब आकाश में बादल बहुत से घने होते हैं तभी वर्षा होती है, उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो बादल बन के आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। ठीक है, कैसे? मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। जब आकाश में बादल बहुत घने हो जाते हैं, बादल जब छा जाते हैं तभी वर्षा होती है, काले काले बादल हो जाते हैं तभी। उसी प्रकार मन में भी हमारे मन की जो पीड़ा बहुत ज्यादा हो जाती है तब वे आंसुओं के रूप में बरस पड़ती है। जब बादल बहुत ज्यादा हो जाते हैं तब वर्षा हो जाती है। और उन्होंने यहाँ पे कंपेरिजन किया है कि जैसे उसी तरह से जैसे बादल हो जाते हैं उसी प्रकार हमारे मन में भी बहुत सारी पीड़ा के बादल रूपी बहुत सारी पीड़ा हो जाती है, बहुत सारे दुख हो जाता है, तब वे आंसू रूपी बादल में बरस पड़ते हैं। रेल की पटरियां चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। रेल की पटरियां अनंत काल से साथ चल रही है परंतु भी सदा मौन रहती है, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती है। जो रेल की पटरियां हैं वो देखिए दूर दूर बनी होती है, अनंत काल, बहुत अनंत मतलब कोई समय नहीं है उसका, कितने बहुत सालों से एक साथ चल रही है परंतु वे दूर दूर रहती है, वो एक दूसरे से बात भी नहीं करती है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश,
सितारे आकाश का श्रृंगार हैं, वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की ओट में छिपे, आकाश सूना हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने पर या विमुख हो जाने पर मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश। ठीक है, सितारे आकाश का क्या है? श्रृंगार है। मतलब जैसे एक नारी अपने माथे पर बिंदी या श्रृंगार कर लेती है तो नारी का सौंदर्य और ने रख जाता है ना, उसी तरह से सितारे आकाश का श्रृंगार है। जैसे सितारे निकलते आकाश हमको अच्छा लगने लगता है, उसकी शोभा बढ़ाते, वैसे ही जैसे ही सितारे छिप जाते आकाश सूना हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में कुछ लोग हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। उनके चले जाने या उनके रूठ जाने पर हमारा जीवन कैसा लगने लगता है? निरर्थक, कि कोई साथ कोई मतलब जीवन का वैल्यू नहीं है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, कवि के अंदर अनोखी सामर्थ्य होती है। वह जिन गीतों को स्वर देता है वे अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। अभी देखो क्या कह रहा है, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। यहाँ पे कवि के अंदर की भावना बताई, कवि के अंदर अनोखी सामर्थ्य होती, अनोखी शक्ति होती है। वह अगर समाज में कोई गलत कार्य हो रहा होता है तो वह कवि अपनी रचनाओं के द्वारा, कविताओं के द्वारा उसमें समाज में परिवर्तन ला सकता है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर में अथाह जलराशि होती है, समुद्र में बहुत जल रहता है, परंतु खारा होने के कारण अथाह होने पर भी वह जलराशि पीने योग्य नहीं होती। सागर का जल बहुत ज्यादा, सागर बहुत, समुद्र बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका जल कैसा होता है? खारा। ठीक है, तो वो पीने के योग्य नहीं होता। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों ना, यदि वह किसी जरूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है। यहाँ पे सागर और एक किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा या धनवान व्यक्ति, उसका कंपेरिजन किया है। उसी प्रकार जैसे सागर बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा उसमें जल होता, पानी होता, परंतु वह खारा होने के बाद वो पीने योग्य नहीं होता। उसी प्रकार कोई भी कितना भी व्यक्ति धनवान हो और उसका धन किसी जरूरतमंद के काम नहीं आए तो उसका बड़ापन, उसका धनवान होना व्यर्थ है, बेकार है। ठीक है, ये समझ में आया आपका कविता का अर्थ? ये आपका शब्द संसार है। मझदार स्त्रीलिंग है, मझदार स्त्रीलिंग है, नदी के प्रभाव का मध्य भाग। कुंठा भी स्त्री है, संज्ञा है घोर निराशा। विषाद पुल्लिंग है, संज्ञा है अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख। जिजीविषा स्त्री है, जीवन के प्रति आसक्ति, जीने की इच्छा। ओट स्त्री है, आर संज्ञा है ये भी। स्वाध्याय, अभी मैंने यहाँ पे आपको कुछ स्वाध्याय दिया हुआ है, होमवर्क दिया है, ये आप अपनी नोटबुक में कीजिए। बाकी के होमवर्क भी आपने आशा करती हूँ किया ही होगा आपने। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, उचित जोड़ियां मिलाइए। मछली गीतों के स्वर, रेल की पटरियां, आकाश मौन, सूना प्यासी, अमर पीड़ा। मछली क्या है? प्यासी है। गीतों के स्वर अमर है, रेल की पटरियां क्या है? मौन है, आकाश सूना है। प्रणाम लिखिए, सितारों का छिपना तुम्हारा, गीतों को स्वर देना। सितारों का छिपना क्या है? इसका सूना आकाश। और तुम्हारा गीतों को स्वर देना, गीतों का अमर होना। सरल अर्थ लिखिए, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। ये तीन लाइनों का आपको अर्थ लिखना है। जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, करते जाओ पाने की मत सोचो, जीवन सारा भीतरी कुंठा नयनों के द्वार से आई बाहर। आपको उससे क्या संदेश मिलता है?
करते जाओ, पाने की मत सोचो। जीवन सारा हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए, यह नहीं सोचते रहना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त हुआ, इससे हमें क्या मिला। भीतरी कुंठा नयनों के द्वार से आई बात, जब नेत्रों से आंसू बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। कृति पूर्ण कीजिए। हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु कौन कौन सी है? हाइकू में फागुन की ऋतु और बसंत ऋतु है। उत्तर लिखिए। मझदार में डोले, छिपे हुए, धुल गए, अमर हुए। तो मझधार में डोले जीवन नैया, छिपे हुए हैं क्या सितारे, धुल गए विषाद, अमर हुए गीतों के स्वर। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन, इसका और कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। रेल की पटरियां अनंत काल से साथ चल रही हैं, परंतु वे सदा मौन रहती हैं, एक दूसरे से कभी भी बात नहीं करती। गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है, वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि हमें परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते रहना चाहिए। ये आपका सब स्वाध्याय हो गया, होमवर्क कर लीजिए। आंसर तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। थैंक यू।